जय हिंद दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास से 5 मैथ्स अहेड चैप्टर नंबर 2 की मैथमेटिक्स बी। तो इसके साथ ये चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गई, एक्सरसाइज 2.10 तक और मैथमेटिक्स ए बी। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहाँ से देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी मैंने कमेंट में पिन कर दिया प्लेलिस्ट के लिंक, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वन नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी नंबर इज, तो वन और किसी भी नंबर की प्रोडक्ट क्या होगी। वन प्रोडक्ट, तो वन इंटू, मान लीजिए किसी भी एक नंबर सिक्स है, तो वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। और अभी देखिए, वन इंटू मान लीजिए 350, तो वन इंटू 350 इज इक्वल टू 350। तो ऐसे ही देखिए, वन के साथ किसी भी नंबर को इंटू की जाए तो वही नंबर ही होगी। तो यहाँ देखिए, ए नंबर ऑप्शन वन, बी नंबर द नंबर इट्सेल्फ, सी नंबर जीरो, डी नंबर डबल ऑफ द नंबर। तो यहाँ देखिए, द नंबर इट्सेल्फ मतलब खुद वही नंबर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। टू नंबर देखिए, यू नो द कॉस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स यू विल। अच्छा, आपको पता है कि किसी 10 चीज़ की कीमत क्या है। देखिए, इसकी बेसिस पर 6 चीज़ की कीमत है। तो जो कीमत है, मान लीजिए 10 चीज़ की कीमत 100 रुपये है, तो आप क्या करना, आपको तो 6 चीज़ की कीमत चाहिए। तो 10 की कितने हैं, 100 है, तो एक की कीमत पहले निकाल लीजिए। तो एक की कीमत 10 से डिवाइड देना, तो देखिए 10 से डिवाइड देने से एक की कीमत निकल जाएगी। इसके बाद देखिए, एक की कीमत जब निकल जाएगी ना, इसके साथ 6 इंटू कर देना। तो यहाँ एक्चुअली कौन सी एक्सप्रेशन करेक्ट होगी, ये तो यूनिटरी मेथड की प्रॉब्लम है ना। तो यूनिटरी मेथड हमने 2.10 में देख चुके हैं, तो आप भी 2.10 ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपकी कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, ए नंबर मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ देखिए 10 से डिवाइड हो रही है और 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 और 10 से डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 10। तो ए नंबर ऑप्शन में कह रही है कि 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ 10 से तो डिवाइड हो रही है, तो ए नंबर ऑप्शन गलत है। बी नंबर देखिए, डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड हो रही है, देन मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब टोटल वैल्यू 10 से डिवाइड हो रही है, 6 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, बी नंबर ऑप्शन। तो 2 नंबर की बी करेक्ट है। 3 नंबर देखिए, व्हाट इज 3825 एडेड टू इटसेल्फ 25 टाइम्स, तो 3825 को 25 बार खुद के साथ ऐड करने से क्या मिलेगी, ठीक है। तो खुद के साथ अगर 3825 को 25 बार ऐड की जाए, तो 25 से इसको गुना कर देने के बराबर हो जाएगा, मतलब 3825 × 25, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, गलत है, यहाँ डिवाइड है, गलत है, यहाँ देखिए इनटू है, तो ये करेक्ट है, सी नंबर ही करेक्ट है, ठीक है। तो 3 की सी करेक्ट है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ 1 डजन बनानास कॉस्ट 6 रुपीज़ 6, देन कॉस्ट ऑफ 3 बनानास, तो एक डजन मतलब 12 है, 12 बनानास की कीमत है 6 रुपये, तो 3 बनानास मतलब 3 केले की कीमत क्या होगी। यहाँ 12 केले की कीमत 6 रुपये, तो 3 की कितने हैं, तो सी नंबर ऑप्शन में देखिए ₹1.50, तो 4 की सी करेक्ट है, ठीक है। अब हायर क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग, 5 नंबर देखिए, इन ए सिटी 6091 300 किलोग्राम ऑफ गार्बेज इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे, वन गार्बेज ट्रक कैन कैरी 55 किलोग्राम ऑफ गार्बेज एट अ टाइम एंड ईच ट्रक कैन मेक 10 ट्रिप्स इन ए डे, हाउ मेनी ट्रक्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द गार्बेज एवरी डे। तो किसी एक शहर में 69,300 किलोग्राम गार्बेज रोज़ाना प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बन जाती है गार्बेज, तो आपको पता है ना। तो ऐसे ही किसी एक शहर में रोज़ाना 69,300 किलोग्राम गार्बेज प्रोड्यूस हो जाती है, बन जाती है। और गार्बेज कैरिंग जो कार है, ट्रक है, तो एक ट्रक की कैपेसिटी 55 किलोग्राम है, ठीक है, मतलब 55 किलोग्राम कैरी कर सकती है एक ट्रक। और डेली 10 ट्रिप्स मतलब 10 बार ऐसी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन में समाप्त करने के लिए कितने ऐसी ट्रक चाहिए, तो यहाँ एक चीज़ देखिए, 55 किलोग्राम कैरिंग कैपेसिटी है, और एक ट्रक दिन में 10 बार मतलब 10 ट्रिप दे सकते हैं। तो 55 को 10 से इंटू करना,
तो 10 × 50 = 550। आप 550 से इस नंबर को डिवाइड दे देना तो डेली कितनी ट्रैक्स चाहिए वो निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए 5 नंबर का सोल्यूशन 69,300, ये 300 है डिवाइडेड बाई 55 × 10। तो ये ब्रैकेट में रखा क्योंकि ब्रैकेट के काम पहले करना। तो 55 × 10 550, आप इससे इसको डिवाइड देने से 126 आएगी। ठीक है, आप फुल प्रोसीजर से डिवाइड दे सकते हैं। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रैक्स रिक्वायर्ड एवरी डे इज 126। तो ये 126 ही आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए वैल्यू बेस्ड एक क्वेश्चन 6 नंबर। माला आंसर्ड 5 out of 10 क्वेश्चंस करेक्टली इन ए टेस्ट। ऑल क्वेश्चंस कैरीड इक्वल मार्क्स। हर टीचर मेड ए मिस्टेक एंड गेव हर फुल मार्क्स 50 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स शुड माला एक्चुअली गेट? व्हाट डू यू थिंक शी शुड डू? तो एक्चुअली देखिए माला ने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट की किसी एक टेस्ट में, एग्जाम में, और इनमें से 5 आंसर्स करेक्ट निकले और बाकी 5 इनकरेक्ट। लेकिन टीचर ने, जो टीचर पेपर एग्जामिन कर रहा था, इन्होंने गलती कर बैठा। इन्होंने क्या किया, सब क्वेश्चन सही मान के और ये क्वेश्चन की जो मार्क्स एलोटेड है, इक्वली मार्क्स है सब क्वेश्चंस के, फुल मार्क्स दे दी। और फुल मार्क्स कितने थे? 50 थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस के लिए, तो इसके मतलब है एक क्वेश्चन की मार्क्स कितने? 5 हैं। अब देखिए हाउ मेनी मार्क्स शुड माला एक्चुअली गेट? तो यहाँ देखिए 10 क्वेश्चंस थे और इनमें से 5 क्वेश्चंस करेक्ट निकले, तो मतलब 5 क्वेश्चंस तो गलत निकले और टीचर ने गलती से गलत क्वेश्चंस की भी मार्क्स पूरा दे दिया। तो आप एक्चुअली माला को कितनी मार्क्स मिलनी चाहिए था? तो देखिए 50% क्वेश्चंस तो सही थे ना, तो फुल मार्क्स 50 है, तो फुल 50% 25 है, तो एक्चुअली माला को 25 मार्क्स मिलनी चाहिए था। तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए, माला शुड हैव गॉट एक्चुअली 50 − 50/2। तो 50/2 क्यू लिखा और 50 − क्यू लिखा, टोटल मार्क्स 50 है। और 50/2 मतलब क्या है? टोटल मार्क्स की आधा क्या है? पूरा मार्क्स तो 50 है और इसके आधा तो गलत निकली ना आंसर्स, तो आधा को माइनस कर देना, तो 50 के आधा क्या है? 25 है। तो 50 − 25 = 25 मार्क्स, तो माला को 25 मार्क्स चाहिए था। बहुत सिंपल है आंसर भाई। लाइफ स्किल बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। डिंकू बॉट अ बुक फॉर ₹235 एंड गेव ₹300 टू द शॉपकीपर। द शॉपकीपर रिटर्न्ड ₹55 चेंज टू हिम। अच्छा, डिंकू पॉकेटेड द मनी विदाउट काउंटिंग इट। डिड द शॉपकीपर रिटर्न द राइट अमाउंट मनी टू डिंकू? तो यहाँ एक चीज़ देखिए, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ये आपकी लाइफ में भी आ सकती है कभी भी, क्योंकि हम भी ना बाजार से, दुकान से हमेशा ही कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं, तो इनमें हमारे कैलकुलेशन में मिसकैलकुलेशन हो सकते हैं। ठीक है, कभी दुकानदार को हम ज़्यादा पैसे देते हैं गलती से, कभी दुकानदार आपको रिटर्न कम करते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, इस टाइप की गलतियाँ हो सकते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। तो ये बहुत लाइफ स्किल बेस्ड है, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में जो काम हम करते हैं ना, इन कामों में मैथमेटिकली गलती हो सकती है। तो देखिए डिंकू ने एक पुस्तक खरीद किया, बुक खरीद किया ₹235 में, और इसके पास ₹300 थे। अब डिंकू ने क्या किया, शॉपकीपर को, मतलब बुक सेलर को ₹300 दे दिया, छुट्टे पैसे नहीं थे ना। तो अब दुकानदार ने क्या किया, गलती से इनको ₹55 दे दिया, ₹55। तो एक्चुअली कितने रुपये देना चाहिए था दुकानदार को? ₹65, क्योंकि 300 − 235 = 65 है। तो वही गलती है, मतलब ₹10 कम दे दिया, ₹300 − 235 = ₹65। तो देखिए यहाँ आंसर में नो, द शॉपकीपर डिड नॉट रिटर्न द राइट अमाउंट ऑफ मनी। एक्चुअली राइट अमाउंट नहीं दिया, टिक टिक जो ₹65 देना था ना वो नहीं दिया। द राइट अमाउंट ऑफ मनी इज ₹65 है, मतलब ₹10 कम दिए। तो भाई ये वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।